मलयालम सिनेमा के माफिया की खुल गई पोल। क्या बता रही हेमा कमेटी की रिपोर्ट? एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट से क्यों दे रहे इस्तीफा? इन दिनों मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से खूब हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन महिला कलाकारों के यौन शोषण की खबरें आ रही हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम एक्टर सिद्दीकी और डायरेक्टर रंजीत ने अपने पदों से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, और अब यानी 27 अगस्त मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष सुपरस्टार मोहनलाल ने भी इस्तीफा दे दिया। इतने संगीन आरोपों के बाद जवाबदेही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ही होती है, इसलिए फिलहाल के लिए कमेटी को भंग कर दिया गया है। अब अगले 2 महीने में कमेटी के चुनाव कराए जाने हैं। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट से जिन्होंने इस्तीफा दिए, अम्मा के वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष समेत अन्य सभी कमेटी मेंबर्स उसमें मौजूद हैं। फिल्म इंडस्ट्री की इस काली करतूत में पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। एक सीपीएम विधायक के खिलाफ एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। मशहूर निर्माता निर्देशक रंजीत ने भी यौन शोषण के बाद ही इस्तीफा दिया। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के महासचिव सिद्दीकी पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ने कहा, 21 साल की उम्र में उनके साथ यौन शोषण की पहली घटना हुई। उसने कहा, ये किस्सा एक मलयालम फिल्म के दौरान का है, जब सिद्दीकी ने उन्हें होटल में बुलाया और बातचीत के दौरान प्यार से बेटी कहने लगा, लेकिन फिर उनके साथ गलत तरह से व्यवहार करने लगा। डायरेक्टर रंजीत पर आरोप लगाने वाली बंगाली एक्ट्रेस ने कहा, रंजीत के घर पर उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। एक्ट्रेस कहती हैं, रंजीत फोन पर बात करते हुए उन्हें दूसरे कमरे में ले गए, वहां अंधेरा था, उन्होंने मुझे फोन पर बात करने को कहा। जब मैं बात करने लगी तो रंजीत उनके बगल में खड़े हो गए, उनकी चूड़ियों से खेलने लगे, स्किन छूने लगे। एक्ट्रेस अनकंफर्ट महसूस करने लगी, इतने में रंजीत उनके बालों और गर्दन को छूने की कोशिश करने लगा, तब वो कमरे से बाहर आ गई। वो कहती है, उन्हें पता है इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। ये सारी पोल खुली एक रिपोर्ट के कारण, नाम है हेमा कमेटी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा के उस अनदेखे हिस्से का लेखा जोखा है जहां महिलाओं को भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट बताती है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण का ही कल्चर है। रिपोर्ट में बताया गया है, डर की वजह से महिलाएं यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराने से बचती हैं। रिपोर्ट कहती है, पुरुष कलाकार और निर्माताओं का एक माफिया इंडस्ट्री के सारे फैसले लेता है, साथ ही इंडस्ट्री में महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। फिल्म के सेट्स पर न टॉयलेट्स होते हैं न चेंजिंग रूम। रिपोर्ट के मुताबिक कई बार महिलाओं को पुरुष टॉयलेट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। मेरा नाम है मनोज। शुक्रिया।